बिजवासन स्टेशन करीब है, वो रहा बिजवासन रेलवे ट्रैक। और अभी हम यहाँ पे आए स्विमिंग करने, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये एरिया कितना अच्छा है। देखिए आप नीचे, मैं आपको फ्लाईओवर दिखाता हूँ। ये भी जस्ट नया नया ही बना है यार, धूप के कारण दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ऊपर की रोड है, बीच में भी रोड है, नीचे भी रोड है। हाँ ये देखो, तीन चार एक साथ गाड़ियाँ चल सकती है। ऊपर भी गाड़ियाँ चलती है, नीचे भी, और जस्ट इसके नीचे भी चल रही है गाड़ियाँ। ये भी रोड है, एक इसके नीचे भी रोड है। ये देखिए, ये नीचे भी रोड है, नीचे से अंडरग्राउंड है अंदर से, और ऊपर तो खैर फ्लाई ओवर बना ही रखा है बंदों ने। यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं और अभी हम स्विमिंग करने जा रहे हैं। अगर अभी तो स्विमिंग कर ब्लॉक करेंगे। हाँ स्विमिंग आप दिखाएंगे, स्विमिंग पूल कैसा है भाई। तो ये देखते हैं हमको जा रही है। ये कौन सी है भाई? ये जो ट्रेन अभी आएगी इधर से, वो रेवाड़ी जाएगी गुड़गांव से होते हुए। तो यार ये नाला पाला, ये देखो ये छोटा सा, हम सोचते हैं इधर ही। चलो फ्रेंड्स आने वाले हैं, ये देखो ये रोड खत्म होने वाला है चूतिया सा। ये देखो जिस रोड से भी आ रहे थे, ये देखो कितना लंबा चौड़ा है। ये देखिए यहाँ पे छोटा स्विमिंग पूल, सब नाले इसी में। मैं पैसे दूंगा साइकिल भी गरीब है सब यहाँ पे, वो करवा रहा। तो ये देखो पेड़ भाई, बिल्कुल 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 गांव की तरह पेड़ है। और भाई इलाका तो सच में भाई, देखो नाला, देखो मैं नाला की शक्ल दिखा रहा हूँ, गांव की तरह ही भाई पेड़ पौधे हैं बिल्कुल। आने वाले बस, ये देखो रोड दिख रहा हूँ आपको। हम दोस्तों पच्चीस बाइक यहीं से निकालते हैं ना, इसी रोड के बीच में से, जब उधर से आते हैं गुड़गांव वाले रोड से, सीधे नहीं आते जहाँ पे वो कार दिखी थी प्लेंटी, वो बीच में रोड चौराहा नहीं आता, मुझे लगता है यही रोड है। मैं जी कुत्ता देख रहा है मुझे, क्यों देख रहा है भाई? सब्सक्राइब कर दियो भाई प्लीज, सब्सक्राइब पूछ से ही लाके बता दे। हाँ गुड, तू भी हो तेरे को भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइब प्लस घंटा दबा दियो, घंटा भी दबा दियो और लाइक वाइक कर दियो डॉगी, लाइक कर दियो। अंकल आप भी पाइप मत छेड़ो ज़्यादा, मैंने इस पर कुमारी को यहाँ टट्टी करने के लिए वेडिंग जीडन पदमन पालम ग्रीन्स को पैडम ग्रीन्स पैडम ग्रीन्स भाई क्या नाम है, वानी वासिका ग्रीन बुकिंग ओपन। आपको अगर करना हो तो आ जाना इधर ही, डेस्टिनेशन वेरी नियर। फ्रेंड्स आ ही गया जस्ट, बस समझ लो आधा 100 किलोमीटर। वाओ दिस इज द क्या नाइस कार, वॉकमेशन पोलो इज गोन कैफे यार, इस पे मामा आदम की चीजें मिलती हैं वो देख भाई, कितनी पुरानी पुरानी चीज, और कोई दुकान में दिखता नहीं भाई, भूतिया मुझे लगता है दुकान। मोजो पांडा मोरियो वन स्टॉप गेटन फर्नीचर शॉप एंड कैफे क्लोज ऑन ट्यूसडे। वाह भाई क्या सही नाम बंदे ने, खुला है भाई अंदर लाइट है, खुला है लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा, और भाई कोई दिखता नहीं है शॉपिंग करते हुए बंदा। ये देखो रेस्टोरेंट है ये तो भाई, लेकिन अलग तरह का है। वाह सही अच्छा लग रहा है, वेडिंग जाइडिन दीवान प्लेसेस। वाह यार एक बात है भाई, काफी अच्छा, इधर खाली शादी करके दिखेंगे आपको भाई। ये देखो अगर शादी वादी करनी है उधर ही आओ, मतलब काफी अच्छा लुकन सी न्यू दिल्ली बिजवासन टोल, जबकि ये टोल ऐसे यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं, उल्टा लोग गाली देके जाते हैं। ये कौन सा टोल टैक्स? सैटेलाइट मैप खोल दिया साले ने, उल्टी खोपड़ी का। फ्रेंड्स से आने वाले बिजवासन, और दिखाते हैं आपको कैसा है वहाँ का स्विमिंग पूल। एंट्री भाई, ये एंट्री थोड़ी है, कैसी बात कर रहा है, ये एंट्री थोड़ी होगी। ग्रीन गार्डन, एक चीज़ दिखा दो। ओके थैंक यू सो मच, देख लो ये बिजवासन है, दिखा दे, ये दूसरा बिजवासन है।
तो हाय फ्रेंड्स, फाइनली आ गए हम बिजवासन। दूसरे दिन आए और ये संडे का दिन है, आज खुला हुआ है बिजवासन। ये देखो आज तो फुल बंदी कर रहे हैं। ये सब मेरे दोस्त है, ये मैं फोन अंदर लेके जाता हूँ। ये फोन तो दे। हाँ फुल मजा आ रहा है। पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ तो बीच यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी मैं तू नहीं है बात न मानी दिया था मेरे वीडियो में। और खैर मैं बता तो ये मेरा स्विमिंग पूल कैसा है भाई। ये जो देख रहे हो ये वाला, इसमें गहराई है 7 फुट की गहराई है ये वाला। और उधर आगे जो है ये बिल्कुल मतलब होगा यार करीब, मतलब इतनी दूरी का है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, मतलब ठीक ठाक स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा। इस इधर 7 फुट की गहराई है और उधर तो भाई 4 फुट की होगी मुश्किल से, और बीच में 5 फुट की है, मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसा है बस। देखो स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा है। और प्राइस इसकी जो है संडे को 70 हो जाते हैं और बाकी वैसे लो प्राइस होती है। देख ही रहो फिलहाल यही स्विमिंग पूल है और भाई अच्छा है पानी। आज तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब सुबह आओगे तो आपको साफ एकदम मिलेगी। अभी थोड़ा सा गंदा टाइप का दिख रहा है पानी, बट कोई नहीं, पानी ठीक है, नहाने के लिए बहुत अच्छा है। और नया फर्श वही लगाया, अच्छा है, अच्छा लगता है दिखने में। तो भाई यही है स्विमिंग पूल, अगर आपको आना हो तो आना। वहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, वही मतलब फीस पैसे वैसे लेते हैं जो भी है। और ये इसका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड भी सही लग रहा है, खेल वेल भी सकते हो। आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये स्विमिंग पूल वाला आपको ब्लॉग बहुत तगड़ा लगा हो। तो थैंक यू सो मच, बाय।